पर रिकॉर्डिंग मुझे, स्टार्टेड, चैट मैसेजेस आल्स। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। एनीवे कंट्रोलर, योर कैमरा इज ऑन। तो वेलकम टू दिस क्विज शो, जो कि हम लोग जाने वाले हैं आज के वो मिलाकर के 3 राउंड का क्विज होगा, और इस 3 राउंड के क्विज के बाद 4 बेस्ट टीम सेलेक्ट होगी जो फाइनल राउंड खेलेगी प्रोग्राम 12 तारीख वाले दिन। और इस क्विज का कुछ मैं आप लोगों को पैरामीटर्स बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग सब बहुत ही होशियार लोग हैं और काफ़ी मेच्योर हैं, लेकिन आप लोग का कुछ मैं पैरामीटर्स बता देता हूँ, उस पैरामीटर्स के ऊपर ही हम लोग क्विज खेलने जा रहे हैं। क्विज में आपको आपके पास सिंपल से एडवांस की तरफ क्वेश्चंस आएंगे, यानी शुरुआती क्वेश्चन आसान होंगे, और जैसे जैसे आप क्विज में आगे बढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चंस के लेवल जो है वो डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। टोटल क्विज में हमने एक दिन के लिए 15 क्वेश्चन रखा है, लेकिन वो किसी भी टाइम क्विज छोड़ के अगर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। तीसरी चीज, पहले पांच क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स दिया जाएगा आंसर करने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गई हैं ऋतु राज मैम, वो हमारी आज की स्कोरर रहेंगी, आज के और आने वाले सारे क्विजेस की यही स्कोरर रहेंगी। ये टाइम भी देखेंगी, टाइम तो वैसे मैं भी देखूंगा, और ये इन्फॉर्म करेंगी 30 सेकंड के अंदर अगर आपने आंसर दे दिया तो ठीक है, वरना आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, दें या ना दें, और लेवल के ऊपर है कि आप कितने अंक जीतते हैं। दो लेवल पे क्वेश्चन जाएगा। पहला है 1 to 5, 1 to 5 फिफ्थ क्वेश्चन पे आपका पहला स्टेज है। अगर आपने फिफ्थ क्वेश्चन तक जवाब दे दिया तो फिफ्थ क्वेश्चन तक का जो पॉइंट है वो कम से कम आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। फिर 10th क्वेश्चन पे अगला स्टेज है, अगर 10th क्वेश्चन तक आपने जवाब दे दिया तो कम से कम आप वहाँ तक अंक लेकर के जाएंगे, और फिर 15 क्वेश्चन तक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है कि इसमें आपको लाइफ लाइन्स भी हम देंगे, एक है आपका 50-50 और एक है आपका डबल डिप, लेकिन दोनों लाइफलाइन आप एक ही क्वेश्चन में नहीं ले सकते, या तो आप डबल डिप लीजिएगा या फिर आप 50-50 लीजिएगा, दोनों लाइफलाइन एक क्वेश्चन में आप एप्लीकेबल नहीं होगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन आएगा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से, क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से, और क्वेश्चन आएगा आपके बीएड के कोर्स से जो आपने बीएड के कोर्स में पढ़ा होगा। तो पहली हमारी टीम कौन आ रही है, पहली टीम हमारी आ रही है बैच 2005 और 6 की टीम है। तो प्लीज आप लोग सामने आइए और अपना नाम बताइए। जी आशीष कुमार रवि। आशीष कुमार, आप जमशेदपुर से ही बोल रहे हैं? ओके, दूसरे मेंबर कौन है आपके? अली जी है कानपुर से। अली जी कहाँ है, उनको बोलिए अनम्यूट करने। यस, आई एम अली फ्रॉम कानपुर, 2005 एंड 6 बैच। हाँ अहमद अली सर, आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सुन लिए? यस 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 सर। तो शुरू करें आज का गेम फिर। ऑन सेट, रेडी सेट। All the best to Ashish sir and all the best to Ali sir. Yes sir, thank you sir. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और हर क्वेश्चन के सामने आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन लगता है वो आप चुनिएगा। पहला क्वेश्चन होगा 10 अंक का, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा आपसे अंक डबल होते जाएंगे। आशीष एंड ओली, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं जा रहा हूँ, रेडी हैं? जी सर। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आशीष और अली, कानपुर और जमशेदपुर का मेल हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हम रखना चाहते हैं कि जबकि T20 क्रिकेट में एक बॉलर नो बॉल फेंकता है तो उसपे इनमें से क्या नहीं हो सकता। T20 क्रिकेट में जब एक बॉलर नो बॉल फेंकता है तो इनमें से क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ए रन आउट, बी कैच आउट, सी सिक्स, या डी 4।
ए रन आउट, बी कैच आउट, सी सिक्सर या डी फोर? कैच आउट। कैच आउट श्योर है जी? ठीक है, तो आपने ये आपका क्वेश्चन जो था, ये आंसर जो था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, मुबारक हो। रितु मैम एक्टिव हो जाइए, टीम पहली टीम ने 10 अंक अर्जित कर लिए हैं। जी जी, क्वेश्चन था और बहुत आसानी से मैंने जवाब भी दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो एक ऑडियो है, पहले आप ऑडियो सुन लीजिए उसके बाद मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ, ठीक है? ऑडियो ध्यान से सुनिएगा। हेलो, हाँ मैं ऑडियो रखने जा रहा हूँ और आपके साथ ले कर दिया। ऑडियो सुन लिया आप लोगों ने? दोबारा सुनना चाहेंगे? जी दोबारा। सुन लिया आपने? आप ध्यान से ऑडियो सुन लिया? अब ऑडियो दोबारा नहीं प्ले किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जिस फिल्म का सॉन्ग है, ये जिस फिल्म का म्यूजिक है, ये जिस फिल्म का थीम म्यूजिक है, उस फिल्म के मेन कैरेक्टर का रोल किसने किया था? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये म्यूजिक जो आपने सुना है ये एक बहुत ही पॉपुलर मूवी का थीम सॉन्ग है, उसका मेन कैरेक्टर का रोल किसने प्ले किया था? समझ गए क्वेश्चन? समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? ऑप्शन रखूं? फिल्म का नाम बताना है? फिल्म का नाम नहीं बताना है आपको, बताना है कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर का रोल किसने प्ले किया था। क्वेश्चन ऑप्शन रखूं? ए अक्षय कुमार, बी परेश रावल, सी मिथुन चक्रवर्ती या डी संजय दत्त? जी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मेन कैरेक्टर का रोल, श्योर है? रितु मैम कितना मिनट, कितना सेकंड बचा है? अभी 15 सेकंड हुआ है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर का रोल किसने प्ले किया था? आप कह रहे हैं अक्षय कुमार, ऑप्शन था अक्षय कुमार, परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती या संजय दत्त? आपके पास सिर्फ 6 सेकंड है, जल्दी बताइए। अक्षय कुमार पूरी तरह से श्योर है? लॉक कर दूं? नहीं सर, फिर भी किसी को दीजिए सर, परेश रावल सर। क्या फाइनल आंसर बोलिए, फाइनल आंसर बोलिए जल्दी। परेश रावल। परेश रावल लॉक कर दें? ओके आशीष जी, अगर आप अक्षय कुमार बोलते तो आप यहीं पर गेम से बाहर हो जाते। इसका सही जवाब परेश रावल है। अक्षय कुमार ने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था इस फिल्म में, अक्षय कुमार ने एक कैमियो रोल प्ले किया था। मेन कैरेक्टर का रोल अक्षय कुमार परेश रावल थे जिन्होंने एक जो है बिजनेसमैन का रोल प्ले किया था,
वो बिजनेसमैन का रोल था मूर्तियों को मूर्तियों का उनका बिजनेस था। कांजीराम का नाम याद है कि नहीं है? बहुत ही किस्मत के साथ और बहुत ही लकीली जो है आप ये क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ गए, बहुत मुबारक। सर कितने पॉइंट्स इन्होंने गेन किया है? दूसरा क्वेश्चन है ना 20 पॉइंट्स मैडम, डबल 20 पॉइंट्स जी जी जी। तो 40 अंकों के लिए आपके सामने ये मैं सवाल रखता हूँ, इनमें से कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो बिहेवियरिस्ट नहीं है? समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन रखूं? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, इनमें से कौन सा ऐसा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जो बिहेवियरिस्ट नहीं है? ऑप्शन रखूं? ए फोंटाइन, बी पैवलोव, सी स्किनर, डी पियाजे। नहीं है। श्योर है? क्या करना चाहेंगे? लास्ट वाला जो ऑप्शन बोल रहे सर वो थोड़ा सा इन प्याजे। सर 30 सेकंड थर्ड ऑप्शन लॉक कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है पैवलॉक। थर्ड ऑप्शन आपने कहा पैवलॉक, फोर्थ ऑप्शन आपका प्याजे था। आप लोग डोल रहे थे पैवलॉक और प्याजे के बीच में। फोर्थ बोले थे सर? नहीं, थर्ड ऑप्शन बोले थे। अली साहब ने थर्ड ऑप्शन बोला है। फोर्थ बोले थे सर। अली साहब सामने आइए, आपने थर्ड बोला है कि फोर्थ बोला है? हम तो फोर्थ बोले थे सर, लॉक करने। वो आशीष सर एक्चुअल कंफ्यूजन हो रहा था कि वो फोर्थ को लॉक करेंगे, बोलेंगे नहीं फोर्थ नहीं है, तब हमने थर्ड के लिए कहा। लेकिन फोर्थ आंसर है सर। ठीक है, तो फोर्थ लॉक कर दिया। नहीं ऐसे नहीं होता है ना, आपको तो फाइनल आंसर देना है ना। परवीन मैम सामने आइए। अब यहाँ पर जो है एक थर्ड कह रहे हैं एक फोर्थ कह रहे हैं मैडम, और टाइम इनका तकरीबन खत्म ही हो गया है। अब बताइए मैडम कि हम क्या करें। फोर्थ बोले थे। जिसने टाइम पर आंसर दिया उसको कर दो। आशीष का आंसर टाइम पर था। आशीष का आंसर टाइम पर था, फोर्थ ऑप्शन। रितु मैडम फोर्थ ऑप्शन को हम लोग जो है लॉक कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं अगर थर्ड ऑप्शन लॉक करते तो आप निकल जाते बाहर फिर से, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गुड आशीष, वेरी गुड। बहुत ही मतलब के रोमांचक तरीके से आप खेल रहे हैं, बस टच एंड गो वाला हिसाब हो रहा है। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका सामने आ रहा है। विच इज द ओनली विमेन हु हैज बिकेम द फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? विच इज द ओनली विमेन हु हैज बिकेम द फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन समझ गए? फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री फुल टाइम। ए निर्मला, बी सुषमा, सी इंदिरा, या डी नन ऑफ द अबव। निर्मला सर। श्योर हैं? कंफर्म सर। लॉक कर दें? जी जी। ए निर्मला,
बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन आशीष। कितना अंक हो चुका है ऋतु मैडम आशीष का? इन लोग इनका सर्विस ग्रुप का एक मिनट, चार क्वेश्चन हो चुका है, 10, 20, 40, 80 हो गया, चार क्वेश्चन हुआ है ना जी। जी पांचवा क्वेश्चन आशीष और अली, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप हारे तो जीरो पे आ जाएंगे, आपके पास दो लाइफ लाइन है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके सामने, वैजेंद्री पाल, नाम तो सुना ही होगा, वैजेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कौन से साल में कंप्लीट की थी? इन विच ईयर वैजेंद्री पाल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन रखे ऑप्शन रखें 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1985। कंफर्म एकदम श्योर है? एकदम श्योर सर। ओके भाई, 84 को लॉक करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आपने पांच क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देते हुए 320 अंक प्राप्त कर लिया। वेल डन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, अपनी टीम को एकदम शीर्ष पे लेके जाने की पूरी कोशिश में हैं, और अभी तक आपके पास दो लाइफ लाइन पूरी की पूरी जो है बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि आप स्किप मत कीजिएगा, जरूर खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हार भी गए तो आप कुछ लूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहला पड़ाव हार कर दिया है। बेटा क्वेश्चन आपके सामने, हु इज नोन एज द नादिया एक्सप्रेस? Who is known as the Nadia Express? Nadia Express. हाँ, Nadia Express के नाम से कौन जाना जाता है? A. झूलन, B. शाहिस्ता, C. अर्जुन या D. इंदिरा देवी? आपके पास 45 सेकंड है, जिसमें से 10 सेकंड पार हो चुका है। सर ऑप्शन फिर से रिपीट कीजिए तो। ए झूलन, बी शाइस्ता, सी अर्जुन या डी इंदिरा देवी? सर झूलन सर। झूलन जी सर। जानते हैं? पक्का है सर? ओके। छठा क्वेश्चन, ए झूलन थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ थोड़ा सा, हम कैसे बताएं, अभी लॉक करने जा रहे हैं, कर देना लॉक। ओके लॉक कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है अली भाई, अली सर क्या है, सही है? आशीष भाई के पास मैंडेट है, आशीष भाई का सही है, आशीष भाई ने कहा है तो सही होगा। वेरी गुड आशीष, दिस इज द राइट आंसर, वेल डन। अगला क्वेश्चन जी सर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ई मोबाइल नेटवर्किंग, ई वॉच नेटवर्किंग में क्या सिमिलर होता है? ई मोबाइल नेटवर्किंग और ई वॉच नेटवर्किंग या नेटवर्क, ई मोबाइल नेटवर्क और ई वॉच नेटवर्क में क्या सिमिलर होता है? क्वेश्चन क्लियर है? इसे सर एक बार रिपीट करेंगे। ई मोबाइल नेटवर्क और ई वॉच नेटवर्क में क्या चीज सिमिलर होती है? ए ऑप्शन रखें, ऑप्शन ए दोनों में सिम कार्ड होता है, ऑप्शन बी दोनों में सिम कार्ड नहीं होता है, ऑप्शन सी
दोनों वाईफाई कनेक्ट करता है ऑप्शन, दोनों वाईफाई नहीं कनेक्ट करता है ऑप्शन डी, दोनों में फिटनेस एक्सरसाइजिंग एप्लीकेशन नहीं होते हैं। सर एक बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करिए सर, टाइम शुरू हो चुका है आपका। हाँ फिर भी क्वेश्चन बोलिए सर। क्वेश्चन है ई मोबाइल नेटवर्क और ई मोबाइल ई वॉच नेटवर्क में क्या चीज सिमिलर होता है। ए दोनों में सिम कार्ड लगता है, बी दोनों में सिम कार्ड नहीं लगता है, सी दोनों में वाईफाई नहीं कनेक्ट होता है, और वाईफाई कनेक्ट होता है सर। कनेक्ट नहीं होता है मैंने लिखा है, बोला है कनेक्ट नहीं होता है, बोले हाँ कनेक्ट नहीं होता है सर। 50-50 कर दीजिए सर। 50-50 ओके 50-50। चलिए भाई दो गलत आंसर आपका हम जो है मिटा देते हैं जी। और अब आपके सामने बचता है ए दोनों में सिम कार्ड लगता है, बी दोनों में सिम कार्ड नहीं लगता है। याद रखिएगा ई मोबाइल नेटवर्क की बात हो रही है, मोबाइल और ई मोबाइल वॉच की बात हो रही है, मोबाइल या होगा की बात नहीं हो रही है ना। अब आप कोई लाइफलाइन नहीं ले सकते हैं क्योंकि डबल डिप या 50-50 एक हो सकता है। टाइम कितना बचा है जल्दी बताइए मैडम। टाइम कवर हो गया सर इनका। ए, 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 सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक बात कहना है आप सभी पार्टिसिपेंट से, आप लोग प्लीज ताकि आप लोग उनको जो भी सर क्वेश्चन पूछेंगे ऑप्शन से वो जल्दी फटाफट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन का ऑप्शन पूछने जब जा रहे हैं तो हमारा टाइम जो है वो टाइम चलता है। जैसे हम पहला ऑप्शन रखें टाइम चलेगा, चाहिए जितना बार भी हमसे रिपीट कराएं, ठीक है। तो टाइम खत्म हो जाता है। दोनों में सिम कार्ड लगता है, मैं अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि ये गलत जवाब है। ई मोबाइल नेटवर्क और ई वॉच नेटवर्क में सिम की जरूरत नहीं होती है, वो डिजिटली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप बहुत अच्छा खेले। इनके अंक बता दीजिए, इन्होंने 320 पॉइंट अर्जित किया है पांच क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए, छठा भी सही इन्होंने जवाब किया, लेकिन पॉइंट गैप हो जाएगा अब इनका, और सिर्फ 320 पॉइंट पे ये अपनी टीम को कंट्रोल करते हैं। तो आशीष एंड अली भाई, अली सर बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा गेम खेला, और आशीष को खास करके आपने बहुत ही जल्दी जल्दी जवाब दिया और बहुत सही तरीके से श्योर होके भी जवाब दिया। शुरू में थोड़ा डामाडोल था मामला, लेकिन बाद में आपने बड़े अच्छे से उसको संभाल लिया। वेल डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब हमारे पास नेक्स्ट टीम कौन आ रही है, प्रवीण मैम प्रकट होइए। नेक्स्ट टीम प्लीज अपने साथ कॉपी और पेन रखेंगे, फिर से आपको बता रहे हैं, कॉपी और पेन रखिए ताकि ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाए। परवीन मैम, एनीवेज हु इज द नेक्स्ट टीम? हाँ रेशिदान बोलिए। हाँ नेक्स्ट टीम को भेजिए मैडम, पहला टीम हो गया। हाँ नेक्स्ट टीम आ जाओ। हेलो गुड इवनिंग सर, आई एम गुड इवनिंग 2006-7 और कौन है? और गुड इवनिंग शिवान कौशल तस्लीम, करीम सिटी कॉलेज। अच्छा अच्छा कौशल मैडम। और एक और बात तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हारे सवाल जो है केबीसी से ज्यादा टफ है भाई। अच्छा नहीं मैम, बस सिंपल ही है, शुरू थोड़ा देर तो है सर। तो मैम आप लोग का लेवल है ना, लेवल लगाने पूछेंगे तो फिर तो बच्चा लगेगा ना। नहीं ठीक है, चलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपना माइक म्यूट कर लें। और हमारे पास जो नेक्स्ट टीम आ रही है वो शबाना मैडम है। शबाना मैडम प्लीज आप सामने आइए।
शबाना मैम है, आपको बहुत मुबारक हो कि आप गेम में आई हैं, हमारे साथ खेल रही हैं। ये फन गेम है और देयर इज नथिंग एज सच कंपटीशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कुछ एक्टिविटी वी आर डूइंग दिस थिंग। एंड दूसरी तरफ हमारी करीम सिटी कॉलेज की ही है कौसर मैम। कौसर मैम, वेरी वेलकम टू यू। और आपको को गेम्स के रूल्स पता ही हैं, सारे रूल्स आप लोग को पता है। अब हम आपके सामने सिंपल से एडवांस की तरफ क्वेश्चन लेके जाएंगे और हमारी तरफ से भाई आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग बहुत आगे तक जाइएगा। टाइम का आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। जी पहला क्वेश्चन आपके लिए, जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन है तो आपका आसान ही क्वेश्चन होगा। तो लैपटॉप और कंप्यूटर में, यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप, पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या चीज सिमिलर नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा इस पे, क्या चीज सिमिलर नहीं होती है? दोनों में स्पीकर इनबिल्ट होता है ए, दोनों में माइक इनपुट इनबिल्ट होता है बी, दोनों में कैमरा इनबिल्ट होता है सी, और दोनों में कीबोर्ड कनेक्ट किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन कनेक्ट किया जा सकता है, कीबोर्ड कनेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन में ए था दोनों में स्पीकर होता है, ऑप्शन बी दोनों में कैमरा इनबिल्ट होता है, ऑप्शन सी दोनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप है ना, दोनों में कीबोर्ड इनपुट किया जा सकता है और दोनों में माइक इनपुट किया जा सकता है। टाइम जा रहा है, जल्दी बताइए। आंसर ए होगा सर, स्पीकर। दोनों में स्पीकर इनबिल्ट क्या नहीं होता है हम बोल रहे हैं, नहीं होता है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, नहीं होता है। स्पीकर कैमरा माइक इनपुट और कीबोर्ड इनपुट नहीं होता है, डेस्कटॉप में कैमरा नहीं होता है, कैमरा लॉक कर दें। ओके लॉक कर दीजिए कैमरा। थोड़ा सा आप लोग टाइम को देखिएगा है ना। और ये आपका ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी अगर आप बोल देते माइक स्पीकर तो भाई दोनों में ही स्पीकर होता है ना, कंप्यूटर के सीपीयू में स्पीकर कनेक्ट रहता है, लैपटॉप में आपको पता ही है दोनों में माइक इनपुट है, कंप्यूटर में भी हम माइक लगा सकते हैं और लैपटॉप में भी, और दोनों में कीबोर्ड इनपुट कर सकते हैं, यूएसबी कीबोर्ड को लगा के अपना काम आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऑडियो एक आ रहा है, पहले आप लोग ऑडियो सुन लीजिए उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे। No problem, hash title, crack underline, the nil cap, or attention. Enter. Audio medium clear. ऑडियो सुन लिया? दोबारा सुनना चाहेंगी? नहीं ठीक है, क्वेश्चन रखिए। Alter 4, double items, new multi set list box, no problem. MS Domino voice, no problem, hash title, track underline, the nil cap, percent, jay, touch, hand, kangaroo, and just use, and left, parents. इस पर्टिकुलर, जिस फिल्म का ये गाना है, फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे, तो जिस फिल्म का ये गाना है, उस फिल्म में इनमें से कौन सी एक्ट्रेस का रोल नहीं है? जिस फिल्म का ये गाना है उनमें से इनमें से कौन सी एक्ट्रेस का रोल नहीं है? क्वेश्चन क्लियर? ऑप्शन रखें। ए सुष्मिता सेन, बी कंगना रनावत, सी ऐश्वर्या राय, या डी नन ऑफ दी अबव। नहीं है, नहीं है,
ऑप्शंस फिर से दीजिए. ए सुष्मिता सेन, बी कंगना रनावत, सी ऐश्वर्या राय और डी नन दी अब. आपके पास दो लाइफ लाइन है, वो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड बचा है, जल्दी कीजिए. 7 डबल डिप कर दीजिए. डबल डिप. ओके 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 ओके. डबल डिप. डबल डिप के बारे में बता दें कि एक बार आपने डबल डिप ले लिया तो फिर आप दोबारा कोई लाइफ लाइन नहीं ले सकती है. और इसमें आपको 2 बार आंसर देने का मौका मिलेगा. पहला आंसर लॉक कीजिए. कंगना रनावत. कंगना रनावत पहला ऑप्शन आपने कंगना रनावत कहा. मैं कहूं कि ये गलत है. कंगना रनावत इसमें मेन लीड में वन ऑफ द एक्ट्रेस थी, अपोजिट अक्षय खन्ना. दूसरा आंसर दीजिए. शबाना. कोई आइडिया नहीं है. सुष्मिता सेन. इसको लॉक कर दें. श्योर हैं? सुष्मिता सेन, कंगना रनावत, ऐश्वर्या राय और नन ऑफ द अबव. आपने एक कहा कंगना रनावत जो कि गलत था. अब दूसरा लॉक करने के लिए आप कह रही हैं सुष्मिता सेन. जो बोल रही हैं नहीं देखी है हमने मूवी. नहीं देखी है. मैंने भी नहीं देखी है. फाइनल आंसर दीजिए. फाइनल आंसर दीजिए. फाइनल आंसर सुष्मिता सेन ही करेंगे. सुष्मिता सेन को लॉक कर दें. ओके, सुष्मिता सेन को लॉक कर देते हैं. I'm really sorry, ma'am. This is a wrong answer. Sushmita Sen and Kangana Ranaut played the main role in the film No Problem against Akshay Khanna, Sanjay Dutt and Anil Kapoor. Anil Kapoor ke against Sushmita Sen thi. Aishwarya Rai has unka koi role nahi. Koi problem nahi. जो ट्राई करते हैं वही आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छा आपने कोशिश की, सामने आई और आपने कोशिश करने की, जवाब देने की कोशिश. ग्रेट, यू नो, थैंक यू सो मैम. इन्होंने 10 पॉइंट गेन किए. लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर आप पड़ाव तक नहीं पहुंचे तो आप कैंसिल हो जाए ऑटोमेटिकली. नो प्रॉब्लम. ओके मैम, थैंक यू सो मच. अब हम चलते हैं अपने थर्ड. हम परी मैम से कहेंगे कि मैडम प्लीज प्रकट होइए. हाँ शिवान बोलिए. हाँ मैडम, आपकी टीम जरा आप आगे बढ़ाइए मैडम. हाँ, नेक्स्ट टीम आ जाएगी रेशमा और दादानाथ मिश्रा. Good evening, sir. Myself, Reshma, 2008-9. Okay, fine. And who is the next contestant? Badrinath Mishra. Okay, Badrinath Mishra. So, आप लोग पूरी तरह Badrinath Mishra. लाइफलाइन रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी भी कहीं भी अगर दुविधा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं और अपने जवाब को सही करके लॉक कर सकते हैं. तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं खेलने के लिए? जी. पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन है तो आसान होगा. इनमें से कौन सा कमर्शियलाइज्ड बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा कमर्शियलाइज्ड बैंक नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आता है कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा आता है रेडमी पावर बैंक या चौथा आता है आपके पास यू क्या है? हाँ, चौथा आता है आपका यूको बैंक. थर्ड ऑप्शन रेडमी पावर बैंक. ओके, थर्ड ऑप्शन को लॉक कर देते हैं और बता देते हैं कि ये बिल्कुल सही है. पावर बैंक. थर्ड लॉक.
Yeah, this is a power bank, right? And it is not a commercial bank, right? This is a battery charging bank. अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ. आपको पहचानना है इनमें से कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं. मैं आपके सामने कुछ थ्योरिस्ट के नाम लेने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थ्योरिस्ट प्रैग्मेटिस्ट हैं, राइट? इनमें से कौन से थ्योरिस्ट प्रैग्मेटिस्ट हैं? रश्मा 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 ध्यान रखूं थ्योरिस्ट का नाम. ए रूसो, बी स्पेंसर, सी डीवी या डी नन ऑफ द अबव. प्रैग्मेटिस्ट. आपका टाइम शुरू हो गया है रेशमा, जल्दी फास्ट. प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद. ट्वेंटी सेकेंड आपके पास लाइफ लाइन है, अगर आप चाहें तो लाइफ लाइन ले सकते हैं. 25 सेकेंड. एक डिसीजन रेशमा. 26, 27, लाइफ लाइन लेना. हाँ 28 29. जल्दी बताओ पहले वाले का नाम भूल गई हूँ, क्या है आपका? बोलिए. डबल डिप या फिर डबल डिप या 50-50, आप पहले लाइफलाइन चूज कीजिए कौन सा लेना चाहती हैं. हेलो हाँ बोलिए रेशमा. लाइफलाइन लेना है आपको, आप बोलिए ना, आप भी तो हैं, आप बोलिए. वो नहीं बोल रही है तो. हेलो 50-50. तो इसमें से हम दो गलत आंसर हटा देते हैं. 50-50. दो गलत आंसर हम इसमें से हटा देते हैं. ओ, सुनाई दे रहा है मुझे, मैं आप मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रही है. तो मैं इसमें से दो गलत आंसर मैं इसमें से हटा देता हूँ. हाँ बोल चुका हूँ, बोल चुका सर, बोल रहे हैं कंफर्म. हेलो दो गलत. हेलो हाँ ना सर, आप चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए. हाँ तो दो गलत ऑप्शन मैं आपका हटा रहा हूँ, एक आपका हट गया है. आप दोबारा ज्वाइन करिए ना दोबारा. हेलो जी सर. चलिए आवाज आ रही है, आप बोलिए. आप अब आप जवाब दीजिएगा. दो लाइफ गलत आंसर इसमें से हटा देते हैं. ए और बी आपका हट चुका है, यानी के रूसो और स्पेंसर हट चुका है. अब आपके पास बचे हैं डीवी और आपके बचे हैं वो नन ऑफ दी अबव. चलिए वैद्यनाथ जल्दी जवाब दीजिए, टाइम नहीं है आपके पास. रेशमा नन ऑफ द अबव. क्या करें, लॉक करें ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव को? लॉक किया जाए क्या? हाँ कर दीजिए. सोच लिया? ठीक है मैडम. ठीक है सर. वैद्यनाथ सर हमने आपका डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव को लॉक कर दिया है. और मैं आपको बता दूं अगेन, दिस वॉज द रॉन्ग आंसर. सही जवाब था जॉन डीवी, राइट? द करेक्ट आंसर वॉज जॉन डीवी. नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन नहीं था इसमें, तो आई एम रियली सॉरी. एनीवेज ठीक है, कोशिश आप लोगों ने किया है ना, कोशिश के आगे जीत है. थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम. मैं दावत करता हूं परवीन मैम को. परवीन मैम प्रकट हुई है और चौथी टीम प्रकट हुई है. आती नहीं टीम है शिवान, एक टीम ज्वाइन नहीं हो पाई है, उसके एक ही स्टूडेंट था. हाँ ये
स्टूडेंट से नहीं कनेक्ट हो पाया तो क्या तो आज के लिए इतना ही रहने दें। हाँ हाँ ऑल टीम हमने तो निशा को बोला था कि फिफ्थ टीम को भी डालिए तो मैंने इनवाइट हाँ निशा बोलो कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा सर उन लोगों से वो लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है तो कल नेक्स्ट जो हमारा गेम होगा वो इसी टाइम हम लोग कल गेम करेंगे नेक्स्ट 6 बजे ठीक है ध्यान रखिए टाइम का ठीक है हम लोग फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग थैंक यू एवरीवन फॉर प्लेइंग एंड इसी तरह से आप लोग बढ़ते रहिए खेलते रहिए और एंजॉय करते रहिए राइट। सर अब तक का इनका स्कोर बता दूं क्या? हाँ मैम एक ही टीम है जिसने 320 अंक प्राप्त किया है और जी 2005 और 2006 जो है ये आशीष सर और अहमद अली सर इन्होंने गेन किया है 320 और सबसे लीड कर रहे हैं ये और 2006 और 2007 बैच जो है वो जीरो पर है और 2008-09 बैच भी जीरो पर। हालांकि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2006-07 ने पहला सही दिया था लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये नहीं कर पाए इसीलिए वो जीरो पर आ गया। इस तरह से लीडिंग टीम है टीम ए 2005 और 2006। थैंक यू रितु मैम थैंक यू परवीन मैम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू प्ले दिस वंडरफुल गेम विद सम वंडरफुल पीपल थैंक यू ऑल चले गए नहीं थैंक यू आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया और सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की कांग्रेचुलेशंस 5-6 बैच आशीष रवि एंड अहमद अली थैंक यू मैम कॉन्ग्रेचुलेशन्स 5-6 बैच आशीष सर एंड अहमद अली सर और आपने मुझे बहुत मेहनत करवाई काफी जोर तोड़ करना पड़ा मुझे बाकियों ने मुझे काफी सपोर्ट किया थैंक यू पार्टिसिपेंट्स थैंक यू मैम।